सबसे पहले नीचे जो 13 स्क्रूज दिए हुए उसे हम खोलेंगे। सभी स्क्रू सेम ही साइज के हैं। अब हम ट्वीज़र की मदद से डीवीडी ड्राइव को निकाल लेंगे। अंदर की तरफ ट्वीज़र डाल के डीवीडी ड्राइव को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेना है। ये देखिए बाहर आ गया, अब आप खींच सकते हैं इसे ऊपर। एक्चुअली ये डीवीडी ड्राइव नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं हम। ये केसिंग की तरह है। अब ट्वीज़र को टच पैड और बेस के दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे ट्वीज़र डाल के उसे बेंड करना है। या तो ऊपर की तरफ कर लो या नीचे की तरफ कर लो, कोई इशू नहीं। पर जो टच पैड है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा और जो बेस है वो खुलेगा। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड के ऊपर टाइट किया हुआ है, सो इसका बेस बाहर की तरफ निकलेगा। देखो आप देख सकते हैं कि लॉक खुल रहा है। जैसे जैसे लॉक खुलते जाएंगे इसमें से साउंड आती जाएगी लॉक्स खुलने की। आप देख सकते हैं कि कैसे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ट्वीज़र को ज़्यादा अंदर की तरफ मत डालिए, नहीं तो ये डैमेज कर सकता है मदरबोर्ड के इंटरनल पार्ट्स। अब आप पैनल को बंद करके बेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। आपने एक स्क्रू मिस हो गया है उसे खोल लीजिए। स्क्रूज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। ये देखो नीचे से पकड़ के बेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये लिखिए बड़े आराम से बाहर की तरफ आ जाएगा। अब ये बैटरी है, ये हार्ड डिस्क है, ये वाईफाई कार्ड है, ये हीट सिंक है, ये फ़ैन है। रैम को खोलने के लिए जो साइड्स में लॉक बने हुए दोनों को साइड की तरफ से प्रेस करना है। राइट का राइट साइड, लेफ्ट का लेफ्ट साइड पर, और रैम बाहर निकलेगी। और बाद में आपने इसमें नई रैम इंसर्ट कर देनी है। ये DDR4 है रैम, हमने 4 GB निकाल के 8 GB इंसर्ट की है। जैसे ही आप इंसर्ट करके प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। हमें इसमें बैटरी की केबल्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो ये सिस्टम है पूरा शटडाउन किया हुआ है। अब बेस को लगा के उसे प्रेस करना है सभी तरफ से ताकि जो इसके लॉक्स है वो लग जाएँ। आप पहले हिंज के स्क्रूज टाइट कर ले, फिर उसे एक बार चेक कर लें बेस को प्रॉपरली लॉक है कि नहीं है। आप एक बार उसे पैनल को खोल के बेस और टच पैड को दोनों तरफ से प्रेस कर लीजिए ताकि जो लॉक खुला होगा वो प्रॉपरली लग जाएगा। स्क्रू लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई गैप नहीं रहेगा बीच में। अभी आप डीवीडी ड्राइव को लगा सकते हैं जो कि वो डीवीडी केसिंग है सिर्फ, जिसमें फ़िलहाल आप तो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। अब आप बाकी के जो बचे स्क्रू है वो लगा लीजिए।
शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।